श्री गौतम की जय हो, अहल्या माता की जय हो, उजरकोट ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे समाज के सभी बंधुना माता और बहनों, तीन धारा नदी के नजदीक महर्षि गौतम भगवान का ये मंदिर आश्रम और जो वेद विद्यालय चलता है उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, बधाई। ब्राह्मण समाज ने हमेशा आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने में अपना जीवन समर्पित किया और इसीलिए भगवान महर्षि जी ने जो समाज को संदेश दिया, जो दिशा दी, आज ब्राह्मण समाज ने सभी समाज महर्षि गौतम जी के विचारों उनको संदेशों को लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की भी है कि सामाजिक परिवर्तन में हमेशा ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना भी एक सामाजिक परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण कार्य है। अब सभी समाजों के अंदर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन हो रहा है, जो इस बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज की आवश्यकता है। आने वाले समय के अंदर ये स्थान जहां पर वेद विद्यालय भी अभी भी चल रहा है, समाज के सहयोग से चल रहा है, ओम जी ने मुझे कुछ कागज दिए कि वेद विद्यालय और ठीक से चले, कोटा बूंदी नहीं, आसपास के लोग जो वेदों को, हमारे पुराणों को, उपनिषदों को आज भी वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, लेकिन महर्षियों क्या ब्रह्म ज्ञानियों का क्या प्रताप था कि आज भी दुनिया के अंदर वेद और विज्ञान का एक ऐसा संयोग है कि सारा विज्ञान आज वेद पर टिका हुआ। वेद व्यास जी ने चार उसको भागों में बांटा, भी मैं वेद विज्ञान महासम्मेलन में था, बड़े बड़े विद्वान आए थे और जीवन के अंदर हमेशा व्यक्ति को कुछ समय मिले तो वेद उपनिषद का अध्ययन जरूर करना और किस समय उन ऋषियों ने वेद में आज की और भविष्य की सृष्टि की कल्पना की थी, जो आज भी हमें लगता है कि इतने वर्षों पहले जब दुनिया वैज्ञानिक हो चुकी है, विज्ञान पर दुनिया चलने लगी है, लेकिन वेद में लिखा शब्द आज भी विज्ञान भी उसी तर्क पर चल रहा है और इसीलिए मुझे खुशी है कि यहां पर वेद विद्यालय चल रहा है। इधर की बोल उधर की बोल फेंकना तो मुझे रिमोट जी आता नहीं, किसके खाते में किसके खाते में, क्योंकि ये राजनीति मंच नहीं है, लेकिन ये वेद विद्यालय अच्छा बने, महर्षि गौतम का स्थान अच्छा बने, उसके लिए जो जो भी आवश्यकता होगी समय समय पर उपलब्ध कराएंगे। अभी कुंज बिहारी जी ने कहा मेरे कि 25 लाख रुपए आप देंगे, कितना
कितना हो सकते हैं। देखो ब्राह्मण को धन संचय नहीं करता, वो तो संपत्ति का संचय करता है, तो ज्ञान का संचय करता है। मैं कल रात को एक किताब पढ़ रहा था, तो किताब में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि उनका भाई ब्राह्मण था कि उनसे क्यों नाराज रहती हो और सरस्वती उनसे क्यों पूछ रहती है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण कभी भी लक्ष्मी जी का नजदीक नहीं हो सकता, वो सरस्वती के नजदीक रहेगा और वह ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाएगा ताकि उस ज्ञान के प्रकाश से समय समय पर समाज से दिशा में चले। ये ब्राह्मण है और इसलिए ब्राह्मण को इतना पैसे में नहीं बांटा जा सकता। पहले यार रिमोन जी ने सही कहा कि इसकी बाउंड्री वॉल का एस्टीमेट बनाएंगे, इसका बाउंड्री वॉल कराएंगे, उसके बाद वे विद्यालय चले, वे विद्यालय के संचालन के लिए कुछ लोगों को होल्ड लाएंगे ताकि उसका संचालन भी ठीक से चले और बच्चे पढ़े और एक अच्छा वेद विद्यालय जो मेरे मन की कल्पना वैसा वेद विद्यालय बने। संचालक इसको एक कल्पना से बनाए और अपन इसको एक ऐसा वेद विद्यालय बनाए कि हाड़ोती में राजस्थान में इसका नाम हो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा और मेरी कोशिश रहेगी कि आस पास के लोग भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यहाँ पर लेखन लिखन का भी काम करें। आप सवा लाख क्यों ले रहे हो विकास, मैं दिलाऊंगा ना आपको पैसा। सवा लाख क्या लाइब्रेरी, आप बेहतरीन लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी के अंदर वर्तमान भी होगा, विरासत भी होगा, आधुनिकता से अध्ययन भी करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया को समझने के लिए यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर ये वेद विज्ञान का एक रिसर्च सेंटर बने। तो जमीन आवंटन की प्रक्रिया हुई है, बाकी प्रक्रिया सुने सुने करते रहेंगे। आप निश्चित को हम सब मिलकर करेंगे, सामुदायिक सुधार करेंगे, पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं रहती और ब्राह्मण तो हमेशा संस्कृति का संचय करता, धन का संचय तो करता ही नहीं। इसलिए जिम्मेदारी हुआ है कि लक्ष्मी पूजकों को बुलाया जाए और संस्कृति को दिया जाए, तभी आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।